बात करने वाले हैं मोशन सिकनेस, जिसे ट्रैवल सिकनेस भी कहते हैं, यात्रा के दौरान उल्टी होना। इसके लक्षण, इससे बचने के उपाय, इसकी मेडिसिन, इन्हीं सभी चीजों के बारे में आज बात करेंगे हम। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाह के हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। पहला लक्षण है इसका उल्टी होना। ये सभी को पता चल जाता है कि ये मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है। चक्कर आना, जी मचलाना, मतलब उल्टी होने की इच्छा होने लगती है। मुंह में ज्यादा लार आना, मतलब मुंह में ज्यादा थूक आने लगता है। बेचैनी होना, मतलब घबराहट ज्यादा होने लगती है। चक्कर आना, सिर में दर्द होना, आंखों में अंधेरा छाना, ये सभी प्रॉब्लम आपको हो रही है या इनमें से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है आपके लिए। इससे बचने के उपाय, इससे कैसे बचा जा सकता है कि यात्रा के दौरान हमें उल्टी होना। सफर के दौरान बिल्कुल हल्का खाना खाना चाहिए, मतलब बिल्कुल थोड़ा कम खाना खाना चाहिए, ज्यादा खाना ना खाएं, और बिल्कुल भी खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब खाली पेट भी नहीं रहना चाहिए। अगर आप खाली पेट भी रहोगे तो यात्रा के दौरान आपको उल्टी होगी ही, क्योंकि खाली पेट भी गैस बनती है। यदि संभव हो तो ताजा हवा के लिए खिड़की के पास वाली सीट पर ही बैठें, ताकि आपको खुली हवा मिल सके और आपको उल्टी या चक्कर होने की प्रॉब्लम ना हो। ज्यादा पीछे वाली सीट पर भी ना बैठें, क्योंकि पीछे वाली सीट पर बैठने से दस्त के ज्यादा लगते हैं और पेट में प्रॉब्लम होने लगती है, जिसके कारण मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होने लगती है। विपरीत दिशा वाली सीट पर भी ना बैठे, जिस दिशा में गाड़ी जा रही है उसी दिशा की ओर मुंह कर बैठे, ताकि आपको जी मचलाने की प्रॉब्लम ना हो सके। यात्रा करते समय आप किसी किताब या मोबाइल गेम्स वगैरह ना खेलें। किसी किसी व्यक्ति को गंध या पेट्रोल की स्मेल के कारण भी मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होने लगती है। यात्रा के दौरान यदि आप ये सभी उपाय करते हैं तो आप काफी हद तक मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। यदि ये करने के बाद भी आपको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम बनी रहती है या होती है, तो आपको मैं मेडिसिन बता दे रहा हूँ। उस मेडिसिन को आप खाना मतलब यात्रा के दौरान या यात्रा करने से पहले आप उस मेडिसिन को ले लें, तो आपको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यदि जिस व्यक्ति को यात्रा के दौरान मोशन सिकनेस या उल्टी की प्रॉब्लम रहती है, केवल उल्टी की प्रॉब्लम रहती है, तो आप ये टैबलेट प्रोमेथाजिन, जिसे एवोमिन टैबलेट कहते हैं, वो आप यात्रा करने से आधा घंटे पहले एक टैबलेट ले लें, ताकि आपको ये प्रॉब्लम मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम ना रहे। और यदि आपको उल्टी के साथ साथ चक्कर भी, जी मचलाने की प्रॉब्लम रहती है या घबराहट की प्रॉब्लम रहती है, तो आप टैबलेट स्टेमेटिल एमडी 5 mg यात्रा करने से आधे घंटे पहले इसको मुंह में रखकर चूस लें। ये माउथ डिजोल्विंग टैबलेट होती है, जिसे खाने के बाद आपको ना ही चक्कर आएंगे यात्रा के दौरान और ना ही आपको उल्टी या जी मचलाने की प्रॉब्लम रहेगी। थैंक यू वेरी मच आपको मेरा वीडियो देखने के लिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।